तो आइए आज हम लोग जानेंगे पोषण ट्रैकर 18.5 में जो है माइग्रेट आउट, ये माइग्रेट आउट होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारा आंगनबाड़ी सेविका का भी कमेंट आ रही है कि हम लोग माइग्रेट आउट से जो है लाभार्थी डिलीट कर दे रहे हैं। तो ये माइग्रेट आउट से आप लोग को डिलीट नहीं हो रहा है, ठीक है। डिलीट का ऑप्शन अभी नहीं आई है, लेकिन आप लोग को जो है माइग्रेट आउट से होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। लेकिन जो भी नया आंगनबाड़ी सेविका है या पुराने आंगनबाड़ी सेविका है, इस वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग को जरूर समझ में आएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि बेनिफिशियरी है, ठीक है। यहाँ से भी बेनिफिशियरी है और नीचे भी बेनिफिशियरी है, इस दोनों में से किसी पे क्लिक करके आप लोग इस तरह से जो है फाइल में आ सकते हैं। आने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है 3 ईयर से 6 ईयर वाले बच्चे हों या 6 मंथ से 3 ईयर वाले बच्चे हों, इन सभी में जो है आप लोग को इस तरह से जो है फाइल आई है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो है 3 डॉट है, यहाँ पे 3 डॉट पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे माइग्रेट आउट दिया गया है। ये माइग्रेट आउट होता क्या है, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए। ये माइग्रेट आउट से आप लोग सोचते होंगे कि डिलीट हो जाता होगा, तो ये डिलीट नहीं होता है। आप लोग देखिएगा, अभी आप लोग को इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो है माइग्रेट आउट है, माइग्रेट आउट पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे माइग्रेट आउट प्रोफाइल विल बी रिमूव्ड फ्रॉम बेनिफिशियरी लिस्ट, यानी कि आप लोग को बताया जा रहा है कि रिमूव्ड हो गया है, यानी कि बेनिफिशियरी लिस्ट से, सिर्फ आप लोग को बेनिफिशियरी लिस्ट से हटाई गई है, ना कि आप लोग को डिलीट हो गया है। आप लोग को इसका प्रूफ भी दिखाएंगे, अगर आप लोग को यहाँ से बेनिफिशियरी लिस्ट से अगर आप लोग रिमूव कर देते हैं तो आप लोग को आसानी से रिकवरी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ से यस कर देते हैं और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि रिमूव प्रोफाइल फ्रॉम बेनिफिशियरी लिस्ट और माइग्रेटेड आउट सक्सेसफुली, आप लोग को इस तरह से लिख के आ रही होगी। तो जैसे कि आप लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे हम लोग जैसे कि सोच लिए होंगे कि डिलीट हो गया होगा, तो आप लोग लिस्ट में देखेंगे तो आप लोग को तो डिलीट नज़र आएगा ही, लेकिन आप लोग को जो है एक फाइल खुल के आई है और उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए कि माइग्रेट आउट, ठीक है, माइग्रेट आउट के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पर जो है आप लोग को बेनिफिशियरी लिस्ट से सिर्फ हटाई गई है। जैसे कि गो टू होम पर हम लोग आ गए, आने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है लिस्ट में हम लोग चेक करते हैं तो ये आप लोग को लाभार्थी नहीं शो कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये लाभार्थी नहीं शो कर रही है। तो यहाँ पे आप लोग को बेनिफिशियरी लिस्ट में जो है सबनम कुमारी का जो है हमने जो है रिमूव किया था, यानी कि हटाए थे, यानी कि जो है माइग्रेट आउट से हमने हटाया। तो यहाँ पे आप लोग को देख रहे होंगे कि एक भी लाभार्थी यहाँ पे जो है शो नहीं कर रही है, ठीक है। तो कहाँ पे गई होगी, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि आप लोग को यहीं पर आप लोग को अपडेट आई है। यहाँ पर हम लोग बैक करते हैं, जैसे ही बैक करते हैं यहाँ पर आप लोग को होम पे आनी है। होम पे आने के बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर माइग्रेटेड आउट बेनिफिशियरी, यानी कि यहाँ पर आप लोग को आ गई होगी। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे देखिए कि शबनम कुमारी के नाम से आपको बता रहे थे कि यहाँ पे जो है शबनम कुमारी के नाम से जो है आप लोग ने जो है माइग्रेट किया, यानी कि जो है माइग्रेट आउट हमने जो है क्लिक किए थे। तो यहाँ पे आप लोग को जो है बेनिफिशियरी यानी कि जो है आप लोग को देख रहे होंगे माइग्रेटेड आउट में आ गई है। आप लोग ये काम एक ही शर्त पे कर सकते हैं, यानी कि जो है माइग्रेट आउट आप लोग एक ही शर्त पे कर सकते हैं कि जो लाभार्थी आपके वार्ड से या आपके आंगनबाड़ी से जो है दूसरे जगह चला गया होगा, ठीक है, यानी कि वो दूसरे जगह चला गया होगा, तभी आप लोग जो है माइग्रेट आउट करेंगे, ठीक है, अन्यथा नहीं करेंगे। अगर आप लोग ने जो है सोचा होगा कि डिलीट करके हम लोग हटा दिए तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोग का अगर ये लाभार्थी को जैसे ही आप लोग माइग्रेट आउट कर देते हैं तो विभाग के तरफ से समझा जाएगा कि ये लाभार्थी जो है यहाँ से, यानी कि जो आंगनबाड़ी से हटाई गई है, यहाँ से दूसरे जगह चली आई है। फिर हो सकता है कि कभी आ सकता है। इसके बाद अगर कभी भी ये लाभार्थी आपके क्षेत्र में आ जाता है, आपके आंगनबाड़ी में जो है आ जाती है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस शर्त पर ये माइग्रेट इन कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर माइग्रेट इन करेंगे, जैसे ही उसके बाद यहाँ पर जो है यस करेंगे तो ये लाभार्थी जो है आप लोग यहाँ पर से चली जाएगी, यानी कि जो है यानी कि ये 24 घंटा के अंदर में जो है आप लोग ने जो है बेनिफिशियरी जैसे कि माइग्रेट आउट किए हैं, यानी कि बेनिफिशियरी लिस्ट से हटा है, ये आप लोग को वही जगह पे चली जाएगी। तो इतना आप लोग समझ लीजिए कि ये माइग्रेट आउट एक ही शर्त पे करेंगे कि आप लोग के क्षेत्र से अगर ये लाभार्थी यहाँ से चली जाती है, यानी कि आप लोग के आंगनबाड़ी से जो है दूसरे जगह चली जाती है,
तभी आप लोग जो है माइग्रेट आउट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारा आंगनवाड़ी सेवक का कमेंट कर चुकी है कि हमने जो है माइग्रेट आउट करके यानी कि डिलीट कर लिया, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। अगर ये आप लोग ने किया तो विभाग से समझा जाएगा कि ये जो है माइग्रेट आउट एक ही शर्त पर किया गया है कि ये लाभार्थी जो है ये आंगनवाड़ी से जो है दूसरे जगह चले गए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए कि वो लाभार्थी आपके जगह यानी कि आपके आंगनबाड़ी पे आ जाती है, वो उस क्षेत्र में आ जाती है जो क्षेत्र में आप लोग का आंगनबाड़ी है, वो क्षेत्र में आ जाती है, उसके शर्त पे आप लोग इस तरह से जो है माइग्रेट आउट फिर से करके यानी कि जो है बेनिफिशरी लिस्ट में आके यानी कि आप लोग आसानी से जो है गो टू होम पे चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से जो है 24 घंटा के अंदर में जो है ये लिस्ट में जारी हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ से हम लोग गो टू होम पे आ गए और इस तरह से जो है यहाँ से जो है लाभार्थी 24 घंटा के अंदर में भी जा सकता है या उससे पहले भी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो है शुभम कुमारी के नाम से भी हमने जो किया था, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो लाभार्थी जो है आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर शो कर रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर से हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग रिफ्रेश करते हैं एक बार, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अभी शायद नहीं आया है, उसको भी हम लोग रिटर्न करते हैं, ठीक है। होम पे आते हैं, होम पे आने के बाद यहाँ पे माइग्रेट आउट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से जो है माइग्रेट इन करते हैं यानी कि जो है सुरभि कुमारी के नाम से। यहाँ पे जैसे ही यस करेंगे इस तरह से जो है नोटिफिकेशन आएगा कि ये जो है 24 घंटा के अंदर में आप लोग को बेनिफिशरी जो है लिस्ट में आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हम लोग आ गए, आने के बाद फिर से हम लोग बेनिफिशरी में आते हैं, यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो नाम से आया या नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी नहीं आया है, लेकिन आप लोग को साफ साफ अक्षर में दिया गया है कि अब आप लोग को जो है 24 घंटा के अंदर में जो है आप लोग को बेनिफिशियरी लिस्ट में आ जाएगी। बाद बाकी आप लोग को किसी भी प्रकार का आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर अपने आंगनबाड़ी हेल्पलाइन में कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक जानकारी मिलते रहेगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।